नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इस प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ टू इंटू टेन टू द पावर टेन हर्ड्स एंड इट्स एनर्जी डेंसिटी इज़ वन पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पॉर माइनस एट जूल पर मीटर क्यूब इन वैक्यूम द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव इज क्लोज टू और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं ये बताना है अब बी नॉट क्या होगा ना ये बात अपने को पता है कि जब हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं देट विल बी इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय टू म्यू विच एम्प्लॉइज आपकी बी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई टू म्यू विच एम्प्लाइज बी नॉट की आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई टू म्यू एनर्जी डेंसिटी वो अपने को दे रखा है वन पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस एट मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय म्यू म्यू की वैल्यू आप लिख सकते हैं फोर पॉइंट पावर माइनस सेवन ओलेट right, uh, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा आपका एट पाई मल्टीप्लाइड बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पावर माइनस सिक्सटीन नाउ वन पॉइंट जीरो टू है वो, बट वो क्योंकि लगभग वन के बराबर ही रहेगा सो अंडर रूट में रहेगा वो सो टेन हमने इसलिए किया सो टेन टू द पावर सिक्सटीन क्योंकि माइनस सेवन था तो टेन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसका अंडर रूट लेना आसान रहेगा और ये बचा आपका एट्टी मल्टीप्लाइड बाय पाए एट्टी और थ्री पॉइंट वन फोर करेंगे तो टू फिफ्टी के आसपास होएगा उसका जब हम अंडर रूट लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी आ जाएगी सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस एट टेस्ला विच विल बी इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन टी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर टू वुड बी द अप्रोक्सीमेटली राइट आंसर है